सो गाइस आज लाइट रूम की मदद से कुछ इस टाइप की फोटो को इस तरीके से मस्त एडिट करके दिखाने वाले। तो गाइस चलो चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको आ जाना है लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। ये रही हमारी फोटो, मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया और भाई अब आगे का एडिटिंग आपको दिखाते हैं किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले आ जाना होगा लाइटिंग वाले इफेक्ट के ऊपर। अब यहाँ पे आने के बाद आपको जो सेटिंग्स में करता हूँ वो आप चाहो तो आप कर सकते हो अपनी फोटो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो भाई सबसे पहले यहाँ पे एक्सपोजर को मैंने माइनस कर दिया। अब कॉन्ट्रास्ट की बारी आती है तो कॉन्ट्रास्ट को हम यहाँ पे थोड़ा सा प्लस कर देंगे। ठीक है गाइस, और अब बारी आती है गाइस यहाँ पे हाईलाइट्स की, तो मैं हाईलाइट्स को मैं कहूँगा गाइस आप माइनस ही जान दो क्योंकि उसका कोई काम जैसे वे तो है नहीं, बट इससे जो एक बैकग्राउंड में डार्कनेस आएगी। ठीक है, अब शेडो की बात करते हैं तो शेडो को मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा, और जो ये जो है जो भी है गाइस वाइट, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा माइनस या प्लस आप रख सकते हो। बाकी ये सेटिंग आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हो गाइस, यहाँ पे आपको ऑटो का साइड में जो इफेक्ट दिख रहा है वहाँ से आप कर सकते हो। मैनुअल करने में थोड़ा सा इजी रहेगा क्योंकि आपको अपने फोटो के अकॉर्डिंग बहुत मस्त तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये एक चीज़ आप ध्यान में रखना। ठीक है, और लाइटिंग अपने आप जो भी आपको हिसाब से अच्छा लगे वो कर देना। अब यहाँ पर मिक्स टूल के अंदर आने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो टेम्परेचर है उसको यहाँ पर प्लस 15 पे, और जो यहाँ पे टिंट है उसको मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा, और इसको माइनस 70 10 या 11 पे रखते हैं। ठीक है, अब जो वाइब्रेंस है उसको प्लस कर देंगे, वाइब्रेंस को यहाँ पे थोड़ी सी मैं प्लस करूँगा, ज़्यादा प्लस नहीं करूँगा, और प्लस करके माइनस ज़्यादातर 25 या 30 तक ही रखना, ज़्यादा करोगे तो फोटो ज़्यादा बेकार हो जाएगी। ठीक है, अब मिक्स टूल पे आना है। अब यहाँ पे आपको कलर सिलेक्ट कर लेना है, सबसे पहले रेड कलर को सिलेक्ट करके उसकी सैचुरेशन को डाउन करेंगे और भाई जो उसका ह्यू है उसको बढ़ाएंगे, यू तो नहीं बट ल्यूमिनेंस को। ठीक है, अब यही मेथड जो है यहाँ पे आपको इस ऑरेंज वाले टोन के अंदर भी करना है, ल्यूमिनेंस को बढ़ा देना है और जो सिचुएशन है उसको घटा देना है। इससे क्या होगा, आपकी जो स्किन है वो स्मूथ हो जाएगी और एक लाइटिंग इफेक्ट आएगी। ठीक है, अब उस तरीके से येलो कलर पर जाते हैं, येलो कलर की यहाँ पर सिचुएशन को मैं डाउन कर देता हूँ, और भाई आप क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा होगा ल्यूमिनेंस उसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे एडिटिंग करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे -5 के आजू बाजू जाने के, और सेचुएशन को भी सेटिंग कर लिया। अब इसको तो मुझे कुछ लगता नहीं मुझे एडिटिंग करना चाहिए, तो इसको भी मैं माइनस की तरफ जान देता हूँ, और अब ग्रीन के वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। ग्रीन वाले ऑप्शन को यहाँ पे मैं जो है माइनस की तरफ जान दूंगा क्योंकि प्लस की तरफ जान दूंगा क्योंकि भाई इससे जो है सेचुएशन आएगी और जो ह्यू उसको माइनस करेंगे, और जो यहाँ पे ल्यूमिनेंस है उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, अब ब्लू वाले कलर के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे इसको सिचुएशन जो है आउट 100 कर देना है, और यू को अपने हिसाब से आप रख सकते हो, मैं तो यहाँ पे कुछ नहीं करता, और ल्यूमिनेंस को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे जाएंगे डन के ऊपर क्लिक करके गाइज इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो यहाँ पे इफेक्ट आपको दिख रहा होगा टेक्सचर उसको सबसे पहले क्लिक करेंगे, और उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको कर देंगे प्लस 10 पे, और भाई अब बच जाते हैं यहाँ पे क्लियरिटी पे, क्लियरिटी पे यहाँ पे प्लस 10 कर देते हैं। अब यहाँ पे डीएस पे जो थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, और इसको हम प्लस 24 या 20 के आज बजे रख देते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे गाइस वाइब्रेंस विंटेज की तरफ, और यहाँ पे इसको जो है विंटेज लुक डालने के लिए आप यहाँ पे इसको ज़्यादा या कम या बढ़ा सकते हो गाइस, तो मैं यहाँ पे अभी के लिए तो यहाँ पे रख देता हूँ, और डिटेल वाले में जाके शार्पनेस को बढ़ा दूंगा। और भाई यहाँ पे यही करने के बाद जो नॉइज़ रेजोल्यूशन है और कलर रेजोल्यूशन है उसको भी बढ़ा दूंगा, दोनों को यहाँ पे आप अपने हिसाब से ले लेना। ठीक है, इससे जो है फ़ोटो स्मूथ हो जाएगी ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा स्मूथ हो गई इसके कारण मैं क्या करता हूँ शार्पनेस को थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। अब शार्पनेस को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा फ़ोटो जो है वो ज़्यादा कलर तो नहीं प्रोड्यूस करेगी पर ज़्यादा शार्प लगेगी, तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे ग्रेन्स पे चल जाएंगे, इफेक्ट पे जाएंगे यहाँ पे आपको ग्रेन्स देखने को मिल जाएंगे, इसको प्लस कर देंगे तो फोटो में जो शार्पनेस है वो थोड़ी सी जो कंट्रोल हो जाएगी और जो शार्प एजेस है वो थोड़े से स्मूथ दिखने लगेंगे। अब ये चीज़ हो जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको चले जाना होगा यहाँ पे मास्किंग वाले टूल के अंदर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और जो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने मिलेगा उसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देंगे, और भी यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसको कलर रेंज पे क्लिक कर देना है, और कलर यहाँ पे आपको जो है पिक करना है वो पिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको जो है यहाँ पे जो स्काई वाला सेक्शन है उसके ऊपर ले जाऊँगा, और ये जो स्काई वाला सेक्शन है उसको सिलेक्ट कर लूँगा, और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा घटा दूँगा और अप्लाई पे कर दूँगा।
अब यहाँ पे कलर्स पे चला जाऊँगा और इसकी कलर्स को मैं यहाँ पे ब्लू आई मीन स्काई ब्लू या ब्लू आप रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे टिंट टाइप का कुछ ब्लू है वो रखूँगा और सिचुएशन को बढ़ाऊँगा और भाई यहाँ पे टेम्परेचर को माइनस कर दूँगा और यहाँ पे टिंट को भी थोड़ा सा आप चाहो तो छेड़खानी कर सकते हो। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पे और भी थोड़ा सा स्काई वाला एरिया जो है उसका कलर थोड़ा सा चेंज है, तो यहाँ पे इसी इफेक्ट को वापस से अप्लाई करेंगे और इसी को भी इस तरीके से सेटिंग कर लेंगे। तो ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो सेटिंग्स है मास्किंग वाली, ये बहुत इजी है, अगर आपको सीखनी है तो बहुत इजी तरीके से आप सीख सकते हो। बट यहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी यहाँ पे कलर को मिक्स करके जो है एक के साथ एक को जो मैच करना उसमें हो जाए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है स्पीड बढ़ा देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी फोटो बनके रेडी हो चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय।